साथ प्रस्तुत है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा 8 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 तक राज्य स्तरीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व रेलवे और एनएफ रेलवे स्टेट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। मिजोरम राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 10 दिसंबर 2021 को कोलासिब जिले में कमिश्नर मीट का आयोजन किया। एनएफ रेलवे द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में खुद को शामिल करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। को आंध्र प्रदेश राज्य एवं ईस्टर्न रेलवे के सदस्यों ने माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों श्री बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। 12 दिसंबर 2021 को उडुपी जिला कर्नाटक राज्य ने 40 से अधिक स्काउट्स गाइड्स रोवर्स और रेंजर्स के साथ इंद्रली रेलवे स्टेशन पर शुभ भारत के 49वें महीने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। 12 दिसंबर 2021 को श्री मुथु के जन्मदिन के अवसर पर तमिलनाडु राज्य प्रशिक्षण केंद्र के थिरुपुर के पास अलंदूर के भगत सिंह स्काउट समूह ने पेड़ लगाए। राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पंचमढ़ी में 13 से 19 दिसंबर 2021 तक 438वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय समाचार। उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 8 से 11 दिसंबर 2021 तक राज्य मुख्यालय परिसर भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के मुख्य आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद मिश्रा ने श्री अतनु सभ्यसाची नायक माननीय विधायक और अध्यक्ष उड़ीसा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स डॉक्टर चिंता रंजन साहनी प्रख्यात उड़ीसा डांसर और हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर में व्याख्याता और राज्य के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस नृत्य महोत्सव में 14 जिलों के 180 गाइड और यूनिट लीडर्स शामिल हुए। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण पूर्व रेलवे राज्य के जवाहर समूह भारत स्काउट एवं गाइड्स आगरा जिला संघ के सदस्यों द्वारा किया गया। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों द्वारा भारत के पहले CDS स्वर्गीय बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 11 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस पूर्वी रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स आसनसोल जिले द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरल आसनसोल के सहयोग से मनाया गया। 65 रोवर्स और रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने मार्च में इलेक्ट्रिकल जनरल आसनसोल कार्यालय से आसनसोल रेलवे स्टेशन तक के मार्ग में भाग लिया और स्थानीय लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता पैदा की। आयोजन गरारा जिला संघ द्वारा वीरेंद्र शर्मा स्काउट पार्क गरारा में 13 से 17 दिसंबर 2021 तक किया गया था। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर पीके सिंह जिला आयुक्त स्काउट ने डॉक्टर शालिनी जैन जिला आयुक्त गाइड जीवानंद मिश्रा और मनीष कुमार की शानदार उपस्थिति में किया। प्रशिक्षण शिविर में 14 स्काउट्स और 25 गाइड्स ने भाग लिया।
दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा जिला के सदस्य शारीरिक स्वास्थ्य और सामुदायिक जागरूकता के लिए शारीरिक व्यायाम, खेल और योग का आयोजन लगातार कर रहे हैं। चौदह दिसंबर 2021 को 8 से 14 दिसंबर 2021 तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक सप्ताह के अवसर पर मुख्यालय जिला संघ एनएफ रेलवे स्टेट भारत स्काउट एवं गाइड के एनएफ रेलवे मुख्यालय परिसर मालीगांव गुवाहाटी कार्यक्रम में कुल 30 सदस्यों ने भाग लिया। मिजोरम राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स कोलासिब जिले ने 10 दिसंबर 2021 को BRC कोलासिब में आयुक्तों की बैठक और नियुक्ति वारंट का वितरण किया। दस दिसंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंध में भारत स्काउट एवं गाइड्स के तिनसुकिया जिला संघ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के हिजीगुड़ी रेलवे हाई स्कूल में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10वीं तक के प्रत्येक कक्षा के 6 छात्रों के समूह ने भाग लिया। 6ठी कक्षा के ने प्रथम, 9वीं कक्षा ने द्वितीय व 10वीं कक्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 12 दिसंबर 2021 को भारत स्काउट एवं गाइड्स एनएफ रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रेलवे लुमडिंग जिला संघ लुमडिंग स्टेशन और मंदिर दिशा स्टेशन पर सीनियर DPO कम DCC के नेतृत्व में कुल मिलाकर 25 स्काउट्स, गाइड्स, रोबर्स और रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंध में भारत स्काउट एवं गाइड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे तिनसुकिया जिला एसोसिएशन के सदस्यों ने 11 दिसंबर 2021 को हिजीगुड़ा रेलवे कॉलोनी गेट नंबर 3 तिनसुकिया में स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और यूनिट लीडर्स सहित 35 सदस्य मौजूद थे। 9 दिसंबर 2021 को भारत स्काउट एवं गाइड्स के AP मॉडल स्कूल आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले के ओरवाकल गांव BSG इकाई ने भारतीय सशस्त्र बलों के माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। 12 दिसंबर 2021 को भारत स्काउट एवं गाइड्स उडुपी जिला कर्नाटक राज्य ने 40 से अधिक स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स के साथ इंद्राली रेलवे स्टेशन पर 49वें महीने के लिए शुभ भारत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। 12 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य प्रशिक्षण केंद्र के थिरुपुर के पास अलंदूर के भगत सिंह स्काउट समूह ने श्री मुथु के 32वें जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगाए। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2021 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल जगुरा श्रीनगर में गाइड कैप्टन के लिए बेसिक कोर्स का आयोजन किया, जिसमें 32 गाइड कैप्टन ने कोर्स में भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स ने जिला प्रशिक्षण केंद्र सूबेदारगंज में 11 दिसंबर 2021 को सद्भावना दिवस मनाया। भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय ने 16 दिसंबर 2021 को BSG डिजिटल स्मार्ट जनरेशन ऑफ स्मार्ट 2.0 क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे शाम से लेकर 4 शाम बजे तक किया। मलयालम भाषा में और लगभग 350 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 13 से 19 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पंचमढ़ी में 438वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और NF रेलवे से 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय ने 15 से 19 दिसंबर 2021 तक मनाली हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर मध्य रेलवे राजस्थान, तमिलनाडु पूर्वी रेलवे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के स्टाफ के साथ 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, सोलंग वैली, हिडिबा और ट्रैकिंग आदि का आनंद लिया। Thank you.
सांस में ठहरा। आगामी कार्यक्रम 2023 में कोरिया में आयोजित होने वाले 25वें विश्व स्काउट जम्बूरी के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 167/2021 दिनांक 6/12/2021 देखें। राष्ट्रीय एकता शिविर आज़ादी का अमृत महोत्सव कोलकाता असम में 9 से 13 जनवरी 2022, 25 दिसंबर 2021 तक एवं हरियाणा में आयोजित की जा रही है। स्थान STC गंगानगर कोलकाता। तिथि 3 से 13 जनवरी 2022। आवेदन करने की अंतिम सीमा 25 दिसंबर 2021। साउथ पॉइंट स्कूल गुवाहाटी 9 से 13 जनवरी। आवेदन करने की अंतिम सीमा 25 दिसंबर 2021। स्थान NYC गतपुरी पलवल हरियाणा। तिथि 19 से 23 फरवरी 2022। आवेदन करने की अंतिम सीमा 31 जनवरी 2022। आज़ादी का डिजिटल महोत्सव राज्य मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण BSG के लिए डिजिटल स्मार्ट जनरेशन सब स्मार्ट 2.0। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 164/2021 दिनांक 3/12/2021 देख। राष्ट्रीय स्तर पर युवा सप्ताह समारोह शिविर राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के वार्षिक उत्सव के एक भाग के रूप में मनाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 161/2021 दिनांक 3/12/2021 देखें। NAI पंचमढ़ी में 23वां अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 159/2021 दिनांक 30/11/2021 देखें। वैश्विक स्तर पर वैक्स के साथ काम करने का स्वैच्छिक अवसर। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 158/2021 दिनांक 27/11/2021 देखें। डू समथिंग ड्रास्टिक एंड कट द प्लास्टिक। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 157/2021 दिनांक 26/11/2021 देखें। BSG पुरस्कार 2021 के दूसरे उत्कृष्ट स्काउट्स गाइड्स। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 156/2021 दिनांक 23/11/2021 देखें। उसकी दुनिया उसकी आवाज़ परियोजना के तहत 20 से 24 दिसंबर 2021 तक भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में कानूनी संवैधानिक अधिकारों का मेरे अधिकार और मैं एक नेता के रूप में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 154/2021 दिनांक 18/11/2021 देखें। एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड 2023 यूनिट लीडर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमिश्नर सर्विस टू गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट्स गाइड विंग के लिए। अधिक जानकारी के लिए NHQ सर्कुलर नंबर 145/2021 दिनांक 28/10/2021 देखें।